दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के चलते 26 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 27 अक्टूबर तक मूर्ति विसर्जन तक महानगर की यातायात व्यवस्था डाइवर्ट कर दिया गया। इस दौरान कई रास्तों पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा। आपको बता दें कि बड़हलगंज से गोरखपुर की ओर आने वाले वाहन बागागाड़ा फोरलेन से रामनगर कड़जहां की ओर मोड़ दिए गए। वहीं लखनऊ की ओर से जाने वाले वाहनों को अमर उजाला तिराहा से देवरिया बाईपास रामनगर कड़जहां होते हुए भेजा गया और सोनौली की ओर से जाने वाले वाहन छात्रसंघ चौराहे से मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए चार फाटक से कौवाबाग पादरी बाजार खजांची चौराहा होते हुए बरगदवा फिर सोनौली के लिए जाने दिया गया। वह फरेंदा पीपीगंज से गोरखनाथ मंदिर की ओर वाहन नहीं आएंगे। ये बरगदवा तिराहे से फर्टिलाइजर झुगिया होते हुए खजांची चौराहा फातिमा पादरी बाजार होते हुए मोहद्दीपुर जाने की अनुमति दी गई। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, दाहिने तरफ चले जाइए, स्पेस खाली है, मंच खाली है, दो दो मंच खाली है, सावधानी पूर्वक करिए। आज मुख्य विसर्जन चल रहा है, इसमें जीरो पॉइंट से जो भी वाहन आ रहे हैं गोरखपुर साइड में उनको मोड़ दिया गया है और वो बाईपास होते हुए देवरिया कुशीनगर की तरफ चले जाएंगे। जिनको गोरखपुर भी जाना है उनको भी बाईपास से होते हुए ही अमर उजाला की तरफ निकाल करके फिर शहर के अंदर जाएंगे। इसी तरह से जो कुशीनगर देवरिया गोरखपुर और महाराजगंज साइड से ट्रैफिक आ रहा है उसको भी अमर उजाला से जोड़ करके और बाईपास होकर के शाहजहानाबाद की तरफ निकाला जा रहा है। कब से कब तक रहेगा ये? आज रात में मूर्तियां विसर्जन होती रहेंगी, तो इस तरह देखा जाएगा जब तक मूर्तियां रोड पर रहेंगी तब तक ये डाइवर्जन चला जाएगा और जब ही विसर्जन पूरा हो जाएगा इसे खोल दिया जाएगा। देर रात तक चलता रहेगा। सर सिर्फ बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है या छोटे वाहनों? नहीं, अभी तो बड़े वाहन का प्रवेश वर्जित है और जैसे ही भीड़ बढ़ेगी रोड पर स्थिति ऐसी आएगी तो हम हल्के वाहनों को भी डाइवर्ट कर देंगे। अभी तक कहीं पे जाम की समस्या? अभी कोई जाम की समस्या नहीं, बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है।